खूब हलचल हो रही है असद और जोया के दिल में। बड़ा शोर मचा है दोनों के ख्वाबो ख्यालों में। जमकर इश्क लड़ा रहे हैं टीवी के दो दीवाने। अब ये जोया की झील सी गहरी आंखों का जादू है या फिर इस गुलाबी साड़ी का करिश्मा? असद पर जोया का खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। खूबसूरत लग रही है, मैंने जोया के लिए स्पेशली ये साड़ी खरीदी है। जश्न सौगात, जश्न सौगात, जश्न सौगात है, उसमें एक दूसरे को गिफ्ट देना होता है। कबूल है में जोया ने पहली बार साड़ी पहनी है, वो भी असद की गिफ्ट की हुई। फिर आग तो लगेगी ना, और आग भी ऐसी वैसी नहीं, बड़ी भयानक लगी है। जरा देखिए तो, असद बाबू जोया को न जाने कैसे कैसे अपनी बाहों के झूले में झूला रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बार जोया को अपनी बाहों में उठाने के बावजूद न तो असद का बैलेंस बिगड़ रहा है और न ही इनकी सांस फूल रही है। जोया मैडम भी बाहों के इस झूले का बड़ा मजा ले रही है। अब इस सीन को देखकर तो यही लगता है, या तो जोया का वजन बहुत कम है और या फिर असद की ये फौलादी बॉडी का कमाल है। असद बाबू, अभी निकाह नहीं हुआ, इतना पास आना भी ठीक नहीं है। बेटा शादी के पहले होता है, मैं बहुत बहुत जवान है, शादी नहीं हुई है इस वक्त, तो आपको समझ नहीं आएगा ये बात, बट रोमांस नहीं होता तो शादी नहीं होती। रोमांस फूट रहा है इन्हें। सीन में तो जनाब की बोलती बंद रहती है, जोया के सामने कुछ बोलने जाते हैं तो जुबान ही नहीं खुलती। क्यों जोया, सही कहा ना? इनकी रोमांटिक लाइन है वो, एक्चुअली ये इनकी कंप्लीट लाइन है। ये जब सैड होते हैं तो ये बोलते हैं वो एक्चुअली, और जब ये थोड़े से कंफ्यूज होते तो कहते हैं वो एक्चुअली, और जब वो खुश होते तो कहते हैं वो एक्चुअली। तो ये वो एक्चुअली करते हैं, और कुछ नहीं। तो देखा आपने असद और जोया का रूमानी रोमांस। वैसे इस रोमांस की सच्चाई तो ये है कि ये रोमांस सिर्फ जोया के साइड से है, असद बाबू को तो इसकी खबर तक नहीं है। इट्स माय ड्रीम, और ड्रीम्स में तो कोई कुछ भी कर सकता है। और ये एक्चुअली ये देखा जाए, वैसे मेरा ड्रीम सीक्वेंस है, बट आई एम नॉट फोर्सिंग असद टू जॉइन मी इन ड्रीम। मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं ड्रीम कर रही हूँ कि वो मेरे साथ है, बट अब असद क्या सोच रहा है, वो कितने दिल से मेरे साथ है, आई डोंट नो। बड़ा हसीन सपना देखा है जोया, निकाह तो हो जाने दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो।